मैम पीपीटी बन गया? पीपीटी कौन से चैप्टर का? पीपीटी तो ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़े बहुत डाउट्स थे कि कुछ बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है लेकिन उनको कोर्स कैसे परचेस करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है और कोर्स कैसे परचेस करना है, तो क्या आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो उनको? चलो बच्चों की गाइडेंस कर देते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं क्योंकि एमएसटी सीईटी नज़दीक आ रहा है, बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहा है, लेट्स हेल्प देम। यस ओके। सो जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, चलो सबसे पहले अपना मोबाइल ले लो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर ओपन करोगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा। अब इस प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ज्ञान लैब। क्या सर्च करना है ये देखो, ज्ञान लैब सर्च किया हुआ है, चलो ज्ञान लैब पे क्लिक किया। ओके, अब ज्ञान लैब पे क्लिक करके आपको ऐसा अपना ऐप का लोगो दिखाई देगा, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? चलो इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, इट इज़ इंस्टॉलिंग। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करो, जैसे ही आप ऐप को ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, मेरी फोटो दिखाई देगी जिससे आपकी बायो इजी हो जाएगी, और आपको ऐसा एक विंडो दिखाई देगा जहां पर आप अपने व्हाट्सएप से भी लॉगिन कर सकते हो स्कैन करके, और या तो फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। अभी समझो अगर इधर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला, यूज अनदर मेथड किया, यूज अनदर मेथड पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन आएगा। अब जब इस पे कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे ओके, अभी मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, आगे आपको ऑप्शन आएगा प्रोसीड सिक्योरली का। क्या ऑप्शन आएगा आगे? प्रोसीड सिक्योरली। चलो तो हमने प्रोसीड सिक्योरली किया, अभी आपको ऐसा ऑप्शन आएगा एंटर ओटीपी, ठीक है? चलो ओटीपी देखते हैं, मैंने दूसरे फ़ोन का नंबर डाला है क्योंकि इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है, तो ओटीपी आएगी, तो ओटीपी हम एंटर करेंगे यहाँ पे 4762। मेरा टाइम होने ही वाला था और मैंने ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लिया, ठीक है? जैसे ही आप अपना ओटीपी नंबर डाल के वेरीफाई करोगे आपको सबसे पहला ऐसा पेज दिखाई देगा, और इसमें ही आपको ये जो पहला कोर्स दिखाई दे रहा है बाय नाउ, इस पर आप क्लिक करो। आपको समझो पहले बाय नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि फ्री मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो थ्री डॉट्स है यहाँ पर, ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें से आप फ्री मटेरियल पर जाओ, सेकेंड ऑप्शन, ये फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा है। फ्री मटेरियल पे गए तो आपको ऐसे फोल्डर्स दिखाई देंगे जिसमें एमएसटी सीईटी पीसीएम और पीसीबी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको फोल्डर्स दिखाई देंगे, तो आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आप पीडीएफ ओपन करके डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है? दिखाना है सर? चलो आगे बढ़ें, फ्री मटेरियल मिल गया आपको। अब जिनको पढ़ना है, जिनको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्योंकि इस एमएसटी सीईटी कोर्स में हम आपके क्लास 12th का पूरा बोर्ड्स का सिलेबस और क्लास 11th के जो चार चैप्टर्स आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम में आने वाले 2024 में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, एक्सक्रीशन चैप्टर, ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर और रेस्पिरेशन चैप्टर, 11th स्टैंडर्ड के ये चार चैप्टर्स और 12th स्टैंडर्ड का पूरा बायो सिलेबस इस कोर्स में हम लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं, और उसका प्राइस कितना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे बाय नाउ पे, तो ऐसा आपको आगे कॉन्फ़िगर होते हुए दिखाई देगा वो। ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन आया है आपको बाय नाउ, और पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाई किया हुआ है, ये देखो ये अवेलेबल, बहुत सारे बच्चों को इधर पे 1499 प्राइस दिखाई देता है। तो जब आप ये ऑफर पे अप्लाई करते हो फर्स्ट 100, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसा ऑप्शन आता है। अच्छा, पहले से ही क्लिक किया हुआ था, मैं अब वापस क्लिक करती हूँ। जब मैंने फर्स्ट 100 पे क्लिक किया तो फर्स्ट कूपन कोड अप्लाई आएगा, और अब देखो अब प्राइस कितना हो गया 1025। तो एक्चुअल कोर्स की प्राइस 999 है, बाकी के जो ऊपर के 26 रुपीज़ हैं वो आपके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं, मतलब इंटरनेट वालों को पैसा देना पड़ता है पेमेंट करने का। अब इस पर आप बाय नाउ पे क्लिक करो, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे हाँ, तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब अब आपका बैंक के लिए आगे पेमेंट ऑप्शन जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फ़ोनपे, जीपे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अभी इसमें मेरा बैंक अकाउंट लॉग्ड इन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। समझो मैं यूपीआई पे क्लिक करती हूँ, यूपीआई पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आएगा, करेक्ट? यूपीआई आईडी डालो या मोबाइल नंबर, आपके पेरेंट्स के फ़ोन से जब आप पेमेंट करोगे तो आपको अपना आगे का बैंक डिटेल डालना है,
सब कुछ भरने के बाद आप इधर पे पे नाउ पे क्लिक करोगे, तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा आपके अकाउंट नंबर पे, मतलब आपका मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है, और फिर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ये जो 13 मिनट इधर पे दिखा रहा है ना, ये इतने मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना है। अगर आप इधर तक आके 20 मिनट छोड़ देते हो कि मैं 20 मिनट के बाद पेमेंट करता हूँ, तो फिर वो ऑप्शन चला जाएगा, फिर आपको फिर से स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। तो जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑलरेडी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी इधर मैंने नंबर नहीं डाला है, बट जब आप पे करोगे तो आगे आपको ऑप्शन करने का आ जाएगा पे करने का। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्स कैसे परचेस करना है और उस कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है। जिन बच्चों को ये डाउट है कि मैम हमको सीईटी नहीं देना है, हमको सिर्फ बोर्ड्स के लिए चाहिए, तो आप बोर्ड्स के लिए भी ये कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स की प्राइस सिर्फ 999 है और ये सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है, 3 अक्टूबर के लिए ये प्राइस अवेलेबल है। सो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी जल्दी से जिनको कोर्स लेना है वो लोग ये कोर्स ले सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करो, आपको स्ट्रेट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। और बोर्ड्स का पूरा सिलेबस 90-95% सिलेबस आपका फरवरी के पहले कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड्स के पहले। तो जिन बच्चों को सीईटी नहीं देनी है लेकिन बोर्ड्स पढ़ना है पूरा डिटेल बायोलॉजी, तो वो बच्चे भी ये कोर्स बिंदास आग बन करके ले सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू सून।